So suppose if you want to calculate the magnetic induction due to this current carrying solenoid, okay, this is a very, very long, this is very long current carrying solenoid. So you want to draw the Ampere's loop. ठीक है, when you want to draw the Ampere loop, so Ampere loop एक ऐसा होना चाहिए यार कि जिसमें क्या हो, current इंट्रोड्यूस हो जाए. जैसे मान लो आपने ये एक एम्पियर लूप ड्रॉ किया, अगर ये पॉइंट बेटा ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट आपका सी है, और ये पॉइंट डी. तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक इंडक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर है, या तो वो जीरो डिग्री होना चाहिए या वो 90 डिग्री पे होना चाहिए. दैट मींस द एंगल बिटवीन द डीएल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर. सो हियर इफ द करंट इज गोइंग ऑन दिस, सो सबसे पहले आप देखो, तो अगर मैं बात करूं इस केस में तो डीएल वेक्टर ऐसे है. अगर मैं डीएल वेक्टर की बात करूं इस केस में, अगर आप इस डीएल वेक्टर को देखते हो तो डीएल वेक्टर भी इधर ही की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी मान लेते हैं इधर ही की तरफ. इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, डीएल वेक्टर इधर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ. ओके, इस केस में बात करें तो आउटसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. सो डीएल वेक्टर तो है बट मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है. और इस केस की बात करी जाए सो डीएल वेक्टर तो है बच्चा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ. सो ओवरऑल व्हेन यू यूज यूजिंग अ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या था, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विद अ क्लोज लूप is equal to the mu naught times the current enclosed. Now you want to introduce firstly what amount of current is enclosed in this closed loop. So suppose the length of this loop is L. Okay, if the length of this loop is L, then you can very easily solve कि how many turns we have the n turns per meter. So कितने number of turns आ जाएंगे, तो nl number of turns इस loop के अंदर आ जाएंगे. तो I enclosed कितना हो जाएगा, so enclosed current आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा, this is nli. okay, अगर एक turn I current carry कर रहा है तो total nl turns होंगे. nl turns में total current कितनी आ जाएगी, nli. you can very easily solve this equations. इट इज, पहले तो अपन जा रहे ए टू बी, तो ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए बी डॉट D to A, B dot DL. This should be equal to mu naught N LI. Now let us see the important things. A to B, that angle between magnetic field and DL vector is 90 degrees. So we know that the dot product is zero. And this, in this case, B to C, this is the maximum. So this is B DL. Okay. And limit कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? तो zero से लेके L तक. तो zero to L plus C to D, again आप देखोगे तो C to D क्या हो रहा है, DL vector और magnetic field के बीच का angle zero, 90 degree है, 90 degree मतलब इनका dot product zero हो गया, plus D to L, as we know outside magnetic field is zero, so this should be equal to zero is equal to mu naught N LI. Now you can very easily simplify, magnetic field is over here the constant, so this B into DL का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई. नाउ लेट अस सी, बी इनटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन आई. द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट हियर द एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर. प्लीज रिमेंबर, बहुत बार कंफ्यूजन बच्चों को ये हो जाता है, कई बार बोलता है कि यार मान लो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया गया है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड लिया जिसकी लेंथ 10 मीटर है, और 10 मीटर लेंथ का पे टोटल 1000 टर्न्स हैं, तो बताओ भैया उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इफ आर इज रेडियस ऑफ द
radius of this solenoid is much less than the length of the solenoid. तो ऐसे केस में बच्चे यहाँ 1000 ही लिख देते हैं, नहीं 1000 बटे 10 मीटर करना है, 1000 अपॉन 10 मीटर, देन यू कैन वेरी इजिली सॉल्व दिस इक्वेशंस एंड गॉट द आंसर. ओके, सो यू गॉट इट. नाउ लेट अस सी द डिफरेंट मैग्नेटिक इंडक्शंस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैग्नेटिक इंडक्शन, वी वॉन्ट टू सी द मैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन ड्यू टू करेंट कैरिंग टोराइड. तो अगर आप करंट करेंगे टाइटली वाउंड टोराइड, ये टाइटली वाउंड टोराइड होता है, दिस इज टाइटली वाउंड टोराइड. अगर कोई मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल रहे हैं हम किसी टाइटली वाउंड टोराइड का, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो, अगर मान लीजिए बच्चा हमारे पास कोई टाइटली वाउंड टोराइड हो इस तरीके से, मतलब उसी सोलेनॉइड को अगर आप टर्न कर दो, अगर आप घुमा दो, तो आपका क्या बन जाता है, एक टोराइडल बन जाता है. सबसे पहली बात देखिएगा, सुनिएगा मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ. इनसाइड, अगर इसकी बॉडी के अंदर आप देखोगे, मतलब इसकी दो रेडियस है, एक इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है, तो इनर रेडियस जो होगी उसका मैग्नेटिक इंडक्शन और आउटर रेडियस का मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, ये समझते हैं. जैसे कि ये ए पॉइंट है इनर रेडियस और ये बी रेडियस, ठीक है यार बच्चों. अगर तुम मान लो कोई पॉइंट इनसाइड लेते हो, पी पॉइंट, तो P पॉइंट इनसाइड लेने पर आप जब एम्पियर्स लूप ड्रॉ करोगे ना, एम्पियर्स लूप ड्रॉ करोगे, तो इस एम्पियर लूप में प्रेजेंटेड मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, जीरो होगा. बिकॉज एट दिस पॉइंट इफ R इज लेस देन A, देन करंट इनक्लोज्ड इन अ क्लोज लूप, करंट इनक्लोज्ड इन अ क्लोज लूप इज जीरो. इफ द करंट इनक्लोज्ड इन अ क्लोज लूप इज जीरो, सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फील्ड At this point P, it is zero. So एक बात याद रखिएगा, टोराइडल में इनसाइड पॉइंट लेने पर भी मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो मिलता है. अगर किसी को लग रहा होगा कि आउटसाइड ले लो सर, आउटसाइड ले लो, तो आउटसाइड पे भी लेंगे ना. अगर आप मान लीजिए आउटसाइड भी लेते हैं, तो एक में हम अच्छे से जानते हैं कि हर एक सोलेनॉइड की जो आउटसाइड मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो जीरो होता है, बिकॉज द नेट करेंट passing through this loop is also zero. So if R is taken greater than B, then I enclosed, that is called the net enclosed current, this should be equal to zero. So we can say that अगर यहाँ कोई point Q लिया आपने, तो इस Q point पर भी magnetic induction zero ही होगा. ये बात अच्छे से समझ में आ गई हमें कि अंदर की तरफ भी magnetic induction zero होता है, बाहर की तरफ भी magnetic induction zero होता है. बेटा अगर अब आप मान लीजिए, dear student, if you want to take the point inside the volume of the toroid, अगर कोई ये point लेते हो, अगर इसके लिए आप Ampere's loop draw करते हो, एम्पियर्स लूप ड्रॉ करते हो, तो अगर ये आई करंट कैरी कर रहा है, तो हम देखेंगे ये सारे लूप इस करेंट, मतलब ये जितने भी ये वाले लूप है ना, ये रेड कलर से जो बने, ये सारे के सारे इस ग्रीन एम्पियर लूप से गुजर रहे होंगे. तो अगर आपके केस में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके पास एन टर्न्स होंगे, तो मैं बोलूंगा टोटल इंक्लोज्ड करंट when R is greater than BA and less than B, then the enclosed current I enclosed is N I. N I.
I enclosed ni मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे the integration over b dot dl is equal to mu naught into ni. Now let us see if you want to cut the, suppose you want to select the dl vector, you select the dl vector, आपने कोई dl vector लिया और मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो वी कैन से दैट कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल वेक्टर आर सेम, सो बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. नाउ दिस डिस्टेंस इज से आर, अगर ये भी रेडियस आर है सो हम बोल सकते हैं बी इंटू जीरो से टू पाई आर इंटीग्रेशन हो गया, दिस इज टू पाई आर is equal to mu naught and I. So now the magnetic induction due to a toroid at the volume of the toroidal, it is the mu naught and I by 2R. It is not inside and it is not in outside. It is inside the volume of the toroid. So please remember, it is the inside volume of the toroid, not outside and inside. जबकि आपने देखा था कि toroidal solenoid के केस में inside magnetic field ये थी, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, और टोराइडल के केस में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है अगर इनसाइड द वॉल्यूम पॉइंट लिया जाए, मतलब इसी के अंदर लिया जाए, तो हम देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बाई टू आर. अगेन यहां पर एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इट्स अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सो प्लीज रिमेंबर. Okay, there is a small difference between the n and solenoid. Solenoid में small n total number of turns per meter लिया जाता है, यहाँ पर होता है total number, जितने भी toroidal में turns दिए गए सारे के सारे. Toroidal का example अगर आप practically देखोगे तो जैसे fan आपके होते हैं ना, उस fan में आप जो winding करते हो वो toroidal के ही example पे based है. ठीक है बच्चों? आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट हम पढ़ने जा रहे हैं जो थोड़ा और समझाएगा मैग्नेटिक फील्ड को. हमने देखा कि एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इटसेल्फ. इसका मतलब अगर कोई मूव करता हुआ चार्ज किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो कुछ ना कुछ फोर्स फील करेगा. सो लेट अस सी द सम पॉइंट्स, सम पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स. लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट में समझाना चाहूं कि आप एक बात समझना कि हर तरीके का रुका हुआ चार्ज, एवरी स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग. ठीक है ना? तो एवरी स्टेशनरी चार्ज, फर्स्ट पॉइंट ये है, एवरी स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग एंड इफ दिस स्टेशनरी चार्ज इज प्रेजेंस इन द प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. सपोज आपने क्या किया, आपके पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, और इसी तरीके से कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी, इसी रीजन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई. अगर इस केस में तुमने कोई चार्ज रख दिया, तुमने कोई भी पॉइंट चार्ज रख दिया, रुका हुआ चार्ज, तो दिस पॉइंट चार्ज इज ओनली एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज इट इज एट स्टेशनरी, तो ओनली प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द मे बी अपोजेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अट्रैक्टिव द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज. सो हियर वी कैन सी दैट दिस चार्ज इज एक्सपीरियंस अ फोर्स. इफ दिस इज पॉजिटिव तो दिस इज ओनली एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देयर इज नो एनी magnetic force. So we can say that in a stationary, every stationary charge in the presence of electric and magnet, ऐसे करके लिख सकते, in the presence of external electric field and magnetic field,
द स्टेशनरी चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं आप लोगों को, डायरेक्टली देखने को भी मिलेंगे. द स्टेशनरी चार्ज ओनली एक्सपीरियंस अ एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स. जनरली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एफ ई इज इक्वल टू द चार्ज इन टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, पॉइंट नंबर टू. अब मूविंग चार्ज, अगर कोई मूव करता हुआ चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है. तो मैं लिखूंगा अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ. ये बात तो हम बहुत पहले देख कर आ चुके हैं. अभी हमने कल के लास्ट आर्टिकल में यही चीज देखी भी थी कि एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, और कोई भी चार्ज है तो उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दोनों ही चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा. तो एवरी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ. एंड अगर मान लो भैया इस बार भी तुमने यही किया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और तुमने यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी ले ली एक्सटर्नल. सो अब क्या था, अभी तक था कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कोई अपोज करने के लिए कोई टेंडेंसी थी नहीं. लेकिन यहां पर क्या है, जो मूव करता हुआ चार्ज ले रहे हैं ना, जो हम लोग मूव करता हुआ चार्ज ले रहे हैं, वो मूव करता हुआ चार्ज, जो मूव करता हुआ चार्ज आप ले रहे हो, वो मूव कर, जैसे मान लो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी स्पीड से. अब मे और मे नॉट बी, अपन डिस्कस करेंगे बाद में इस बारे में कि ये अपोज करेगा कि नहीं करेगा या अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन के बारे में बाद में बात चिंता करेंगे. या एक काम करते हैं, आपके लिए कंफ्यूजन ना हो क्योंकि आप पढ़कर आए हो, इसलिए आपके लिए यहां ले लेते हैं. जैसे मान लो ये वी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये वी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये या तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा होगा या इसके साथ काम कर रहा होगा. ओवरऑल ये मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज है तो ये खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. दिस आर कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मे बी अपोजेस और attracted the this external field. So basically we can say that this external magnetic field is apply a force on this moving charge. So this moving charge experience a electric force and magnetic force both. So we can say that in the presence of external electric field and magnetic field, both forces means the magnetic force and electric force experienced by moving charge. Electric fields और magnetic field दोनों ही experience करते हैं. इसी तरीके से एक third point है कि अगर कोई current carrying wire, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई current carrying wire, जैसे कि ये wire ले लिया जाए, अगर ये current carry कर रहा है तो करंट क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, ना कि ये चार्ज नहीं है. नेट चार्ज ऑन द वायर इज जीरो. अगर सोचो ना, तुम खुद ही सोच के देखो, अगर ये बॉडी चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक स्विच बंद करने के बाद हमें वायर्स में करंट नजर आता. हम जैसे ही उस वायर को छूते या अपने किसी कनेक्टर को लगाते तो कनेक्टर चलता, लेकिन ऐसा नहीं होता. जैसे ही लाइट हमारी जाती है या फिर जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं, तुरंत ही क्या हो जाता है, सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है. सो करंट के केस में द नेट चार्ज इज जीरो बिकॉज द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज.
ठीक है ना. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, सो दिस अब क्या हो रहा है, कोई चार्ज तो है नहीं, नेट चार्ज जीरो है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा. सो ऑनली ऑनली एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, बिकॉज क्योंकि एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ही जनरेट करेगा. सो मैं लिख सकता हूं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि अ करंट कैरिंग वायर ओनली प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड and in the presence of external electric field and magnetic field, external electric field and magnetic field, only magnetic force experienced by करेंट कैरिंग वायर. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, करेंट कैरिंग वायर. अब आप पूरी कहानी समझ चुके हो. पूरी कहानी क्या हुई कि अगर कोई रुका हुआ चार्ज है तो भैया सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक. अगर वो चलने लगा और उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो दोनों फोर्स लगाने. अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना है. बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो 99% आप केस को सॉल्व कर सकते हो. मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को 100%. बस तो भैया मजा आया? हाँ आया, ठीक है. अगर किसी को नहीं आया तो बोल सकता है आइदर इन कमेंट बॉक्स और इन रेज योर हैंड, अदरवाइज जैसे भी इच्छा हो, ठीक है. ओके, सो यहां पर इंट्रोड्यूस क्या हुआ बेटा, लॉरेंज फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ. सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया लॉरेंज फोर्स. ओके, थैंक यू अनन्या, ठीक है. ओके, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स ने ये बोला, अगर कोई मूविंग चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों फील करता है. उन्होंने क्या बोला, अगर कोई मूविंग चार्ज present in external electric field and magnetic field, then it experience इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ बोथ और ऐसा नहीं एक के बाद एक नहीं, साइमल्टेनियसली, एक साथ लगते हैं, है ना, बोथ साइमल्टेनियसली. तो इसका मतलब नेट, अगर मान लो कोई चार्ज है क्यू, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा. सो नेट फोर्स होगा एक तो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दिस फंक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉरेंज, दिस इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स. सो यहां से नेट फोर्स बराबर आ जाता है आपके पास. हम इसके बारे में जानते हैं दिस इज क्यू ई होता है, और इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इट इज नथिंग, इट इज द क्यू
into v cross b. तो मैग्नेटिक फोर्स यहां से निकल के आया, इट्स अ क्यू इंटू वी क्रॉस. सो प्लीज रिमेंबर, अगर किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सो वी कैन से दैट द सिंपली ओनली क्यू वी क्रॉस बी लगाएंगे. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे क्यू भी साथ में एक फोर्स लगेगा. ओके थैंक यू. ठीक है, आगे देखते हैं, एक बार आर्टिकल खत्म कर लेते हैं. आगे मैं बात करूं, only magnetic field is present if only magnetic field is present, so only magnetic force is present, how much is this q v b sin theta, or vector form mein agar likhte hain, vector form mein agar aap likhte ho to it's a q into v cross b. Okay, so please remember it is q into v cross b. Okay, thank you so much. Now let us see one important thing. सबसे important भी बात है कि यार भैया ये magnetic force निकालोगे कैसे, ये magnitude तो निकाल लिया, direction कैसे निकालेंगे. तो आपको direction के लिए मैं यही represent करता हूं. For direction of magnetic force we use using right hand palm rule. What is the meaning of right hand palm rule? तो आपको क्या करना है, stretch your right hand in the direction of magnetic and thumb indicates the motion of the positive charge particle. Then palm face indicates the magnetic force experienced by the positive charge. For example, suppose we have अपने पास मान लो यार बच्चा एक बाउंड्री है, दिस इज अ बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट द प्लेन इनटू द पेज or invert the plane, and this magnetic field strength is B, and now you want to move the charge, and the charge is inter with a velocity V and the magnitude of Q. So how, where is the direction of the magnetic force? So just stretch your right hand in the direction of magnetic field. I humble request to all of students, please do this experiment. Stretch your right hand in the direction of magnetic field and the thumb is indicates the direction of velocity vector, then you can see that the palm face is applied upward. Palm face. So we can say that here the magnetic force is upward direction. How much? So how much you can very easily see, this is q v b, because magnetic field angle between magnetic field and velocity vector is 90. Suppose we have another charge minus q, and this charge is also moving with velocity. Then where is the direction of the magnetic force? So let us see. यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको मैंने लिख के दिया हुआ है कि the thumb is indicates the positive charge, motion of positive charge. So if बहुत बढ़िया चेतन, बहुत अच्छे, लाजवाब. तो if the positive charge is moving in this direction, if the negative charge is moving rightward, so we can say that the motion of positive charge is always reverse the motion of negative charge. या फिर ऑलवेज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज. सो इफ द नेगेटिव चार्ज इज मूविंग राइटवर्ड, सो वी कैन अज्यूम दैट द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. सो जस्ट स्ट्रेच योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, सो द पाम फेस इंडिकेट्स द डाउनवर्ड.
सच यहां पर देखोगे आप पाम फेस जो है वो नीचे की ओर जा रहा, और आप देख पाओगे कि नेगेटिव के चार्ज के केस में फोर्स बदल जाता है और पॉजिटिव चार्ज में यही रहता है। बस याद रखना है यहां पर राइट हैंड थंब रूल का या राइट हैंड पाम रूल का कैसे आपको यूज करना चाहिए। बोलो भाई किसी बच्चे को समस्या हो तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं भाई। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ये नोट पॉइंट चलो बताओ है ना। सो आप देखो यार जो फोर्स है वो मोशन के परपेंडिकुलरली लग रहा है, तो अगर मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है सो वी कैन से दैट यार यहां पर होने वाला क्या सिचुएशन है कि कॉस प्रोडक्ट अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट या मोशन के परपेंडिकुलरली लगता है तो वर्क डन ऑलवेज क्या होता है उसका जीरो होता है। सो ये बात ध्यान रखने वाली बात थी, कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। सो यार अगर इसका वर्क डन जीरो है सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम अब देखिएगा एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहां से। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हियर द वर्क डन बाय द मूविंग मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। सो हियर वर्क डन इज जीरो, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। दैट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ऑफ चार्ज इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज। So we can say that the magnetic force does not responsible to change the magnitude of speed. ठीक है ना, ये देखिए कितना बढ़िया बात बताई गई है आपको। क्या बताई गई है कि अगर कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसपे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके द्वारा किया गया वर्क डन ऑलवेज जीरो। मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबिली नहीं है उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए। तो भैया फिर होगा क्या, फिर इसका फिर इसकी जरूरत क्यों है? सो लेट अस सी इफ द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मोशन सो वी कैन से दैट दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्ट। So the magnetic force is actually the magnetic force is only responsible to change the direction of velocity vector. ओके, सो इसी बेसिस पर केस फर्स्ट आता है इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। So if the charge particle is moving parallel to the magnetic field, so let us see. Suppose we have,
suppose we have this in this direction of magnetic field. और इस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है और एक कोई चार्ज रखा है सी क्यू, कोई चार्ज क्यू है ऐसे, एंड दिस चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो हियर एज वी नो द मैग्नेटिक फोर्सेस, एज वी नो द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. सो हियर द क्यू वी बी, हियर the theta is 0 degree. If the theta is 0 degree, so magnetic force on this charge is 0 newton. So we can say that no force exert on this particle to change the direction of motion. So the trajectory of charged particle is a straight line. It is undeflected. The trajectory of charged particle is undeflected. That is, it is a straight line. It is a straight line. Dear students, my dear, आप देखो तो आप एक चीज पाओगे यार कि भैया अगर कोई चार्ज पार्टिकल का मोशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, सो आप बोल सकते हो इस बात को बिना हिचकिचाते हुए और बिना कॉन्फिडेंस के साथ कि आप बोल सकते हैं इस बात को कि सर जो डिफ्लेक्शन पाथ का होगा वो अनचेंज रहेगा. अनचेंज रहेगा मतलब जैसा था वैसा का वैसा चलेगा, बिकॉज कोई भी ऐसा फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा जो इसकी डायरेक्शन को बदले. ठीक है भैया, अब फिर आते हैं केस नंबर टू. क्या आता है? केस नंबर टू क्या है? इफ चार्ज इज चार्ज पार्टिकल is projected normal to the direction of magnetic. अब देखिए क्या होगा, है ना? अगर मान लो बच्चा this is the boundary, ये बाउंड्रीज हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, और इस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन है ऐसे या इनटू द पेज है, कैसे भी ले सकते हो आप. ओके, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज एंड द चार्ज इज जस्ट मूविंग enters in the boundary of this magnetic field. If the charge is moving at this boundary of the magnetic field, so we see that ki the angles between the magnetic field and velocity vector is 90 degree. So if here the velocity is perpendicular to magnetic field, then theta is 90 degree. If theta is 90 degree, so magnetic force is nothing, it is QVB. Okay, and this QVB, आप stretch your right hand in this direction of magnetic field, thumb is indicates the direction of velocity vector. So let us see the palm face indicates the motion of या action of this force. So जैसे ये force perpendicularly लगेगा, the direction, the trajectory of the particle is changes, or the trajectory of the particle is like this. अब अगर ऐसे गया, अगर ये चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ऐसे हो गई, तो फिर से आप यहां पर चार्ज पार्टिकल लो और ये देखिए v स्पीड से जाएगा. फिर आप वही काम करो, स्ट्रेच योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन पाम फेस इज अगेन एक्टिंग लाइक दिस. अगर आप इन दोनों को ऐसे मिलाते हो ना, इसको और इसको, तो ये दोनों फोर्स एक पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे. दिस पॉइंट इज कॉल्ड दिस सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर आर्क. सो बेसिकली वी कैन सी दैट कि ये जो पाथ है,
इसका जो पाथ है यार, वो पाथ कैसा बनेगा? एक सर्कुलर पाथ बनेगा. में भी ऐसे ही चला जाए, कुछ भी हो सकता है. मैं एक जनरल केस बना रहा हूं ऐसे मान. तो अगर ये ऐसे जाता है, ऐसे तो जाएगा नहीं क्योंकि ये सेंटर है, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो ये ऐसे ही जाएगा, इसकी मजबूरी है. अगर सेंटर बाउंड्री के बाहर होता तो ऐसे जाता, तब ज्यादा लंबी रेडियस कवर करता, है ना. सो ओवरऑल ये बात समझने वाली है कि अगर इधर चार्ज पार्टिकल लिया और ये वी स्पीड से गया, तो इधर पे भी फोर्स इधर की तरफ लगेगा. मतलब दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द ऑर्बिट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एंड दिस ट्रेजेक्ट्री बिकम्स सर्कुलर पाथ. तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल, trajectory of charge particle is circular path. अगर भैया इसकी कोई circular path है and magnetic force is the net force acting on the charge particle towards the center. Okay, so अब हम देख सकते हैं, if the net force is magnetic force, so according to circular motion analysis, the net force, the magnetic force, net force is equal to mv square over r. So net force is equal to qvb is equal to mv square over r. Now v to v cancel out, and the radius of this circular path is radius of circular path R is equal to mv upon qp. पहला बहुत important formula, और बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं. In the perspective of mains is also very important. And the form state board exam, state examination, state competition like CETs and UPTs etc. जो भी आप लोग दे रहे हो, वो सभी के लिए ये बहुत 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 important. Now let us see the important thing is that the mass into velocity is the momentum. So we can write in this form. Agar main ek box, isme kuch box points bhi likhe ja sakte hain. To box points kya kya hai? Pehla points to ye hai ki aap aise karke isko bol sakte ho ki r radius of this is the mv ki jagah p upon qb likh sakte hain. Here the p is the momentum. Theek hai na? Ek to ye aa gaya pehla. Dusra, कई बार आपको बोला जाता है, कि यार आपको मान लीजिए डेल्टा वी दिया गया हो, डेल्टा वी कुछ ना कुछ दिया गया होगा, और अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, ऐसा बोलते हैं, इफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, with applied potential difference delta v, अगर applied potential difference delta v है, तो आपसे पूछता है कि भैया radius कितनी होगी. तो let us see, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, the q delta v is equal to half of mv square. और यहां से m को multiply और m को divide कर सकते हैं, तो चीज कोई फर्क बदलता नहीं है. यहां पर आ जाता है mv की value square root of 2 q delta v, then the radius in terms of potential difference is equal to the square root of 2 q delta v upon q square b square. पूरे में square ऐसे लगा देते हैं,
सो नाउ क्यू टू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रेडियस आ जाती है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू डेल्टा वी अपॉन क्यू बी स्क्वायर. तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म से भी निकाल सकते हो वैल्यूज अगर आपको ये फॉर्म भी याद रहती है तो, है ना. सो ये दोनों फॉर्म याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, एक तो मास और वेलोसिटी के टर्म में, दूसरा मास और आप मोमेंटम के टर्म में, और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट आपको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में भी पूछना चाहिए. कई बार कंफ्यूज करता है, बच्चों को दिक्कत हो जाती है. दूसरी एक चीज यहां पर एक नोट पॉइंट मैं आपको और समझाना चाहूंगा. नोट पॉइंट, इफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरली गिवन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस is given in इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो ना तो इसको सबसे पहले जूल में कन्वर्ट कर लेना, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम से मल्टीप्लाई कर देना, बस और कुछ नहीं करना. तब ये E Q डेल्टा भी नहीं अप्लाई करना, तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी ही दी गई है. ये क्या दी गई है आपको, एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी दी गई. अब पोटेंशियल एनर्जी वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी है, तो उसको जूल में कन्वर्ट करके आप बड़ी आसानी से वैल्यूज डाल सकते. ओके भैया, अच्छा अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं तो हम आगे की ओर चलते हैं. इसी में आपने देखा होगा कि यार अगर रेडियस निकाल लिया तो ये अगर सर्कुलर पाथ में घूमता भी है, ये मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमा, एक छोटा सा सर्किल बना लेते हैं इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रही होगी ऐसे, है ना बच्चों. इफ दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इन इनवर्ट द प्लेन एंड द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज लाइक दिस. सपोज ये यहां से वी स्पीड से ऐसे गया, चार्ज क्यू है, तो ये ऐसे ऐसे घूमता जाएगा. अगर ये ऐसे घूमेगा तो इसकी रेडियस आपने बड़ी आसानी से बता दी, इसकी रेडियस आपने बड़ी आसानी से बता दी, रेडियस आप निकाल चुके आर बराबर एम वी अपॉन. तो दिस इज परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, तो इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी हो. सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, एंगुलर स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू वी बाई आर. Now put the value of R in here and omega is equal to V upon MV into QB. Now V to V cancel out. Omega is equal to QB by M. The important term is that the angular velocity of the charged particle does not depend on the velocity of the charge. Suppose if you throw the charge particle, say you have the charge Q and magnetic field B, and you throw the charge particle with a velocity of 10 meter per second, then angular speed is QB by M. Agar tum usko 100 meter per second pe bhi fekte ho, to bhi aapko angular velocity QB by M milti. So the note point is here. Note point is here. The angular velocity of the charged particle does not depends on the velocity of the charge. Angular velocity of charge does not depends on the does not depends on the motion of positive motion of charge, does not depends on the velocity, likh sakte hain, does not depends on the magnitude of velocity of charge particle. बहुत बढ़िया, लाजवाब. क्या मस्त टीचर हो भाई, क्या पढ़ाते हो तुम, वाह, दुनिया के महान टीचरों में से एक.
अरे कम से कम कुछ तो बोलो यार तुम लोग यार। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसी के आगे हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड पीरियड होता है आपके पास टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सो वन ऑसिलेशन में इसने पूरा एंगल कितना ट्रेवल किया यार? तो इट्स अ 2 पाई। अगर 2 पाई एंगल ट्रेवल कर रहा है, ओमेगा स्पीड है, तो ये आ जाएगा टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज कॉल्ड 2 पाई m/qb। सो टाइम पीरियड आ गया, दिस इज 2 पाई m/qb। देखो भैया टाइम पीरियड, जब ओमेगा ही नहीं वेलोसिटी पे डिपेंड करा तो टाइम पीरियड भी नहीं डिपेंड करेगा। ये था ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट क्या है कि द एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अच्छा भाई, अब देखिए यार एक केस बनता है। केस समझने वाली बात क्या है कि अगर मैंने ये वाला केस आपको लिया, तो क्या इसमें एंगल पूरा 2 पाई था? नहीं था। क्या इसको टाइम 2 पाई बाय ओमेगा लगेगा? नहीं लगेगा। सो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि यार भैया डेविएशन एंगल निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है? डेविएशन एंगल, ठीक है ना, बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल। सो लेट अस सी। सबसे पहले कुछ केसेस के साथ हम काम करते हैं ना, तो हम लोग केसेस के साथ काम करेंगे। केसेस क्या है? सबसे पहली बात तो ये मान लो बाउंड्री है, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं करके, तो आपको और समझ में आएगा और थोड़ा सा विजुलाइजेशन भी होगा। एक एक जगह की लाइन मैंने चुराई है, समझ आएगा तो मजा आएगा, है ना? तो अगर आप लोगों को समझ आएगा तो पक्का मजा आएगा, और नहीं समझ में आया तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? सो अगर समझ में आ रहा है तो ठोको ताली भाई, तब तक कम से कम ताली ठोक लो। अच्छा देखिए, अब सुनिएगा जरा। अगर मैं आपको ये कि यार भाई मान लो ये चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ मूव किया किसी एंगल थीटा से, ठीक है ना, किसी एंगल मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री से, ये चार्ज क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री से कोई एंगल थीटा बना रहा है वी स्पीड से जा रहा है। तो जैसे ये वी स्पीड से जाएगा, जस्ट स्ट्रेच योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन सी द पाम फेस इज एक्टिंग अपवर्ड द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल लाइक दिस। एम आई राइट? एट द बाउंड्री ऑफ दिस द चार्ज पार्टिकल मोशन ऑफ लाइक दिस। Due to this reason, the motion of charge particle is changes and this charge is like, this motion is like this. Or, तो जब बाहर exit हुआ तो भी कितने एंगल से exit होगा? थीटा एंगल से ही exit होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये अगर थीटा से एंट्री कर रहा है तो बाहर थीटा से ये एंट्री करेगा। इसको भी अगर आप वापस देखोगे तो आपको ऐसे ही एक फोर्स नजर आएगा। अगर इन दोनों फोर्स को आप मिलाओगे तो ये एक सेंटर पर जाकर मीट करते हैं, सेंटर पर जाकर मीट करेंगे, तो जहां पे सेंटर बनेगा वहां से आप रेडियस तो बड़ी आसानी से बता सकते हो। अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर इसकी रेडियस बताओ कितनी होगी, तो मैं बता दूंगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझने वाली बात है कि भैया इसको जाना ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो भैया ये ऐसे जा रहा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से ये कैसे चला गया? ये ऐसे चला। तो एक्चुअल में इसका पाथ डेविएट हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस एंगल इज कॉल्ड द डेविएशन एंगल। ये एंगल ही तो डेविएशन एंगल है ना? एक्चुअली कौन सा है? जाना ऐसे था,
लेकिन चला ऐसे गया, दिस एंगल इज एक्चुअली डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन. तो ये एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, लेट अस सी द कॉन्सेप्ट. अगर आप देखो इसको ऐसे ड्रॉ करो, ये एंगल थीटा है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, दिस एंगल इज थीटा. आई एम राइट आर रॉन्ग? और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हुआ, सो ये एंगल भी थीटा. भैया समझ गए, समझ गए, समझ गए, ये एंगल थीटा. आगे देखिए इसी तरीके से, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा. इसका मतलब इसके ये टोटल एंगल पूरा, ये वाला जो एंगल टोटल होगा ये कितना होगा, इट्स अ टू थीटा. ओके, दिस एंगल इज टू थीटा. तो नॉर्मल कल्चर कर लेते हैं, नॉर्मल कल्चर कर देते हैं, दिस पॉइंट सी, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट डी. सो इन क्वाड्रेटेबल ए बी सी डी, इन क्वाड्रेटेबल ए बी सी डी, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इज 180. So angles in quadratable C B D A D C B A D, the angle C plus angle B, that is called 180 degree. So now you can see this is 2 pi. This is तो angle B यहां से हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, this is 2 pi pi minus 2 theta. Pi minus 2. एंगल बी अगर पाई माइनस टू थीटा निकल आया, सो ये एंगल हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, बिकॉज टोटल एंगल जो होगा वो पाई होगा. सो वी कैन से दैट द डेल्टा प्लस एंगल बी इज इक्वल टू पाई. नाउ द मिनिमम डेविएशन एंगल जो आ जाएगा यहां से, डेविएशन एंगल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, टू थीटा आ जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. ये टू थीटा अगर डेविएशन एंगल निकल आया, हमने ये निकाल लिया, तो अब टाइम पीरियड पूछ लेते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द टाइम टेकन. सो टाइम टेकन बाय चार्ज इन प्रेजेंट इन या प्रेजेंस प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ फील्ड, कितना टाइम चार्ज ने लिया फील्ड में प्रेजेंट होने के लिए, तो दिस टाइम इज इक्वल टू एंगल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी. सो वी कैन वेरी इजिली सॉल्व, दिस इज टू थीटा अपॉन ओमेगा को हमने देखा, ओमेगा को हम लोगों ने देख के रखा है क्यूबी बाय एम, तो यहां से लिख सकते हैं टू थीटा एम अपॉन क्यूबी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. और ये सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आते हैं अपने साथ और बच्चे डर जाते. अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भैया आपको बताओ, आपको ऐसे बोलेगा, जैसे कि मैं एक और सेक्टर ले लेता हूं आपके लिए, कि अगर मान लीजिए बच्चे ये एक सेक्टर है छोटा सा, है ना, ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर की अपनी विड्थ है, इस सेक्टर की अपनी विड्थ है से डी. ओके, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की ओर, like this, inward magnetic field. और अगर मान लो चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया, चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया यहां से v स्पीड से, चार्ज q को छोड़ा गया, लग 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 लग, ठीक है, ऐसा. सो दो कंडीशन है. केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट क्या कहता है, If V is not sufficient to cross the region of magnetic field. अगर मान लीजिए V इतना sufficient नहीं है कि इसकी region of magnetic field को cross कर सके, so यार ये क्या होगा, इसका motion कैसा हो जाएगा, ये भैया वापस चला जाएगा, ऐसे यहां से आएगा और यहां वापस चला जाएगा. अगर ऐसे वापस चला जाता है ना, ऐसे वापस जाता है, अगर इस तरीके से अगर ऐसे वापस जाता है जैसे आया,
वापस ऐसे ही चला गया बिना कुछ चेंज किए, तो एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में कितना होगा? तो आप देखो, जाना इसको ऐसे था, चला ऐसे गया, तो कैसा हो गया? जाना राइट वर्ड था, जा लेफ्ट वर्ड रहा है ड्यू टू द रीजन ऑफ दिस फील्ड. सो वी कैन से दैट कि एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री. ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट. अगर केस टू ये कह रहा है इफ वी इज sufficient to cross the region of magnetic field. अब भैया इस बार जो है वो region of magnetic field को cross करने का, region of magnetic field को cross करने का meaning ये कह रहा है, क्या कहना चाहता है कि ये जा ऐसे रहा था लेकिन अब ऐसे चला है. अगर ये ऐसे चला गया तो अगर इसके पाथ को आप देखोगे, इसके पाथ को तो इसका पाथ ऐसे होना चाहिए. मतलब जाना बेचारे को ऐसे था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से ये बेचारा ऐसे चला गया. अगर ये बेचारा ऐसे चला गया तो ये कुछ ना कुछ डेविएट हुआ. तो दिस एंगल इज कॉल्ड द डेविएशन एंगल. अगर ये डेविएशन एंगल निकालने को आता है, सो जरा ध्यान से देखिएगा, आपको मैं दिखा रहा हूं कि इस पे एक फोर्स लगेगा बिल्कुल परपेंडिकुलरली धड़. यहां मान लो भाई कहीं जहीं भी लग जाए, कहीं भी लग सकता है, तो एक फोर्स बिल्कुल इस पे लगेगा. अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में तुम मिलाओगे, तो ये दोनों सेंटर पे मीट करेंगे. भैया ये बन गया आपका सेंटर. ये हो जाएगी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये भी रेडियस. तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा एमबी अपॉन क्यू बी. ये बात समझ, ये एंगल डेविएशन एंगल है. ध्यान से देखिए आगे चीज, ये एंगल भी डेल्टा होगा, ये एंगल भी डेल्टा ही होगा. अगर ये एंगल डेल्टा हुआ, दिस एंगल इज 90, सो दिस एंगल इज 90 माइनस डेल्टा, तो वी कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो डेल्टा. सो इन ट्रायंगल सी ए बी, लेट अस सी द साइन डेल्टा इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse, that is called D by R. Now this delta is equal to sine inverse QBD upon MV. So यार ये भी एक formula, इस तरीके से भी minimum deviation निकल सकता है. मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाद आप जाकर सिर्फ क्वेश्चन अप्लाई करिएगा. इवन सिंगल बिट ऑफ क्वेश्चन ना ही मेंस का रुकने वाला है, ना ही एडवांस का रुकने वाला, सॉरी आई मीन एडवांस की डिस्कशन नहीं है, ना ही मेंस का निकले वाला है, ना ही किसी भी स्टेट एग्जाम का. अब करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, नहीं आए तो फिर पूछिएगा मुझसे. ओके, सो दिस इज द केस. अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, हमारे पास उनको हम देख लेते हैं. नोट पॉइंट्स क्या है? पहली बात समझना, यहां पर जो Q by M है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो. क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज रेशियो. Q by M is called स्पेसिफिक चार्ज रेशियो एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, है ना. अब जरा ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट कह रहा हूं, अगर किसी का रो बाई, आप देखो रेडियस के बारे में हम बात करते हैं, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो बाय क्यू बाय एम. रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, रेडियस
of the charged particle is inversely proportional to 1 by rho. कहने का मतलब है अगर किसी का q by m ज्यादा तो उसका radius of the circular path कम होगा, अगर किसी का q by m कम तो उसका radius of circular path ज्यादा होगा. नंबर टू पॉइंट जिसकी बात मैं कर रहा था यहां पर वो देखते हैं. तो एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्यू बाई एम. इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक चार्ज रेशियो. अगर किसी का स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ज्यादा होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी. तीसरी, अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है? इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड. तो वी कैन सी दैट कि अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी इस पे डिपेंड कर रही है, सो डेविएशन एंगल इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक चार्ज रेशियो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. तो प्लीज रिमेंबर दिस, दीज नोट पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक चार्ज रेशियो. The angular velocity is directly proportional to the specific charge ratio and the deviation angle is also depends on the specific charge ratio. बच्चों आप पहले यहां तक, हाँ आप जरा देखो केस थर्ड हमने देखा, केस फर्स्ट देखा, ये केस सेकेंड ये देखा. इसके बारे में खूब चर्चा कर ली, खूब सारी चर्चा, देखो कितनी सारी चर्चा करी. अब केस थर्ड पढ़ ले यार. केस थर्ड क्या कहता है? When the charge is projected at an angle theta from magnetic. अगर बच्चा मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पे थ्रो किया जाता है तो देखिए क्या होगा. अगर मैं आपको सेपरेटली यहां करके दिखाता हूं कि मान लो बच्चा ये एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको, ठीक है. ये आपकी एक्स एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस है ना, और ये आपकी इसके बाद हो गई, ये हो गई आपकी z एक्सिस. अगर x एक्सिस y एक्सिस, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है. सो आप देखोगे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी उस डायरेक्शन में, सॉरी x डायरेक्शन, ऐसे ये भैया मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. अब एक चार्ज पार्टिकल लिया गया Q, इस डायरेक्शन में हिट किया गया है या थ्रो किया गया है किसी ना किसी स्पीड V से. तो यार देखा जाए, इस चार्ज पार्टिकल के दो कंपोनेंट होंगे, एक जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, एक जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा वो होगा v cos थीटा, दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा दिस इज v, या परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होगा दिस इज v sin थीटा. तो आप देखो जरा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है उस पे किसी तरीके का मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई ही नहीं होता, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट परपेंडिकुलरली मूव करता है उस पे एक फोर्स अप्लाई होता है. इसका बेटर क्लेरिफिकेशन के लिए इसको एक बार रोटेट कर देते हैं. अगर इसको रोटेट कर दिया, मतलब जेड एक्सिस को एक्स एक्सिस में एंड एक्स एक्सिस इनवर्ट द प्लेन और आपकी वाई एक्सिस वैसे की वैसी रही, मान लीजिए अब इसको रोटेट कर दिया, फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज द वाई एक्सिस
और एक्स एक्सिस अंदर की तरफ चली गई, इस बार एक्स एक्सिस अंदर की तरफ चली गई ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ट द प्लेन हो गई, अंदर की तरफ चली गई। चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया गया था आपने वी स्पीड अंदर की तरफ, तो आप देख रहे थे यहां पर वाई एक्सिस में एक वेलोसिटी आई थी, इट इज वी साइन थीटा, ये है जेड एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। सो आप देखो यार, जैसे ही आप अपने अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करोगे ना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक और थंब को इंडिकेट करोगे अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर, सो यू कैन सी दैट द पाम फेस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द पाम फेस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग इन लाइक दिस, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स द दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग लाइक सर्कुलर मोशन अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। So we this have center and we have some radius and you can very easily calculate the radius r barabar m v sine theta upon q b। बढ़िया बढ़िया सर, इसका टाइम पीरियड भी बता सकते हैं, टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड बराबर कितना हो गया, इट्स अ 2 पाई m अपॉन क्यू बी, बिकॉज टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इसको दोबारा रोटेट करके अब देखिएगा, अब जैसे ही दोबारा रोटेट करके आप वैसे ही वापस इनिशियल पोजीशन पे लेकर आएंगे, जैसे ही वापस इनिशियल पोजीशन पे आप लेकर आओगे लाइक दिस, तो सिचुएशन क्या होगी, मैं एक काम करता हूं ऐसे बता देता हूं आपको यहीं पर। अब आप वापस ऐसे जा रहे हो, अगर ये वापस जा रहे हो तो अब सिचुएशन आपको कैसी दिखाई देगी ये देखते, एक तो v sin थीटा नेगेटिव z डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, उसके साथ v cos थीटा इसको आगे लेके जा रहा है, तो ये एक स्प्रिंग फॉर्म बनाएगा जिसको स्पाइरल फॉर्म बोलेंगे, और इसका मोशन कुछ ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी हो जाएगी, दिस ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड अ साइक्लोडियल ट्रेजेक्ट्री एंड दिस पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ, इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल। So we can say that ki when the charge particle is projected at an angle theta from the magnetic field, the trajectory of the particle, the trajectory of charge particle, is helix ya helical with uniform pitch, अब pitch क्या होता है, एक नया word आ गया pitch, so pitch is nothing, it is the distance between two complete loop, अगर दो circular loop के बीच की जो horizontal distance होती है ना उसी को pitch बोलते हैं, तो horizontally x axis में move कराने के लिए कौन responsible है, so we can say that the component of v cos theta is responsible to move the charge particle along x direction, so how much distance is traveled along the x direction, this minimum distance between two loops is called the pitch, this is the distance along x direction which is v cos theta is speed into time, so how much amount of the time is it 2 pi m cos theta, so we can say that the v is 2 pi m v cos theta upon q p, this is called the pitch, okay. This is the answer, so this is a basic article, please remember, and this is also motion of charge particles in the presence of magnetic field, either the charge particle are moving in the direction of magnetic field, the charge particle is moving in the opposite direction of the magnetic field, the charge particle is moving along the perpendicular direction of the magnetic field, and last article humne dekha the charge particle is moving along the magnetic field at an angle theta, so thank you so much,